हेलो दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल बालाजी कंप्यूटेक में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको पेन ड्राइव किस तरीके से बूटेबल बनाएंगे हम वो सिखाता हूं। विंडोज 7 या विंडोज 10 अगर आपको बनानी है तो किस तरीके से आप बनाएंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा और प्रैक्टिकली नॉलेज में सिखाऊंगा। देखिए, इसमें सबसे पहले मेरे जिसमें विंडो की इमेज की ज़रूरत पड़ती है, ISO इमेज की, जो भी विंडोज 7 बनानी है, विंडोज 10 बनानी है, उसकी ज़रूरत पड़ती है, वो मेरी इस हार्ड डिस्क में है, पोर्टेबल हार्ड डिस्क में। ये देखिए, इसमें ये मैंने कनेक्ट कर लिया इसमें, ठीक है। और एक पेन ड्राइव की जरूरत पड़ती है जिसको आप बूटेबल बनाना है। ये मैं पेन ड्राइव लगा देता हूँ उसमें, ये मैंने कनेक्ट कर दी पेन ड्राइव। उसके बाद ये पेन ड्राइव आ गई है। अब मैं इसको वो सॉफ्टवेयर जो बूटेबल बनाने का सॉफ्टवेयर होता है उस सॉफ्टवेयर को ओपन करूँगा। इस हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ है, वो सब कुछ मैं हार्ड डिस्क में डाल कर रखता हूँ। ये देखिए, ये मेरी हार्ड डिस्क है 1 TB की। इसे ओपन किया, वो सॉफ्टवेयर पर जाएंगे पहले। वो जो सॉफ्टवेयर मेरे पास यहाँ पर पड़ा हुआ है, सॉफ्टवेयर पे गए और इसके अंदर भी जाके है, वो ये है विन बुटिक। ये विन बुटिक सॉफ्टवेयर है, ये देख लीजिए आप। ये नेट से भी आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा आराम से, विन बुटिक वर्जन 2.2। इसे ओपन करेंगे, ये ओपन कर लिया हमने। इस सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं, अगर विंडोज 7 में ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे आप तो ऐसे ही हो जाएगा, और विंडोज 10 में अगर करेंगे तो आप देखिए, डाउनलोड इंस्टॉल .NET फ्रेमवर्क 3.5, डाउनलोड इंस्टॉल फीचर पे क्लिक कर देंगे। ये नेट होना चाहिए आप कंप्यूटर में, अपने आप डाउनलोड कर लेगा। देखो नेट है ना, वाईफाई लगा रखा है मैंने, ये देखिए वाईफाई पे ये अपना डाउनलोड कर रहा है सॉफ्टवेयर को। एक सेकेंड का सॉफ्टवेयर है, वन टाइम करना पड़ेगा बस, ये उसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगी आपको दोबारा करने की। इसे होने देंगे, इसे कंप्लीट होने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ये देखिए डाउनलोड हो रहा है, ये थोड़ा 50 MB का होता है, ये डाउनलोड हो जाएगा, अभी इंस्टॉल हो जाएगा। देखिए स्टार्ट हो गया, अब ये कह रहा है ऐप को दोबारा इंस्टॉल कीजिए। अभी इसे दोबारा इंस्टॉल करते हैं विन बुटिक को, देख लीजिए मैं पास से दिखाता हूँ। विन बुटिक नाम है इसका, ये बैकग्राउंड में खुल गई, देखिए आ गई ना। अब यहाँ पे पेन ड्राइव सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी पेन ड्राइव लगा रखी है आपने, ये पेन ड्राइव है मेरी जी ड्राइव, तो ये मैंने पेन ड्राइव सेलेक्ट कर ली। और यहाँ पे ISO इमेज सेलेक्ट कर लेंगे, देखो लिखा आ रहा है ड्रॉप योर सोर्स, ठीक है ना, लिखा रहा ना यहाँ पे ड्रॉप योर सोर्स लिखा रहा है, तो इस पर क्लिक करेंगे। पाथ पूछेगा, आप ISO इमेज का पाथ दे देंगे जहाँ भी आपको इस इमेज पड़ी हुई है। मैं इसमें इमेज का पाथ दे रहा हूँ, विंडोज 7 की बूटेबल बनानी है मुझे। ये हार्ड डिस्क में पड़ी हुई है तो उसी का पाथ दे रहा हूँ, ये विंडोज 7, ठीक है। इस पर क्लिक करके ओपन कर देते हैं, देखिए यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। अभी अभी ले लेगा, देखो ले ली इमेज जिसने ISO इमेज, आप क्विक फॉर्मेट पे क्लिक करके डू इट कर देंगे, ठीक है, और ओके कर देंगे। ओके, ये फॉर्मेटिंग कर रहा है, देखिए पेन ड्राइव फॉर्मेट कर रहा है आपकी। यस के लिए बोल रहा है कि आपको आगे करना है प्रोसेस, यस कर देंगे। देखो प्रिपेयरिंग फ्लैश बूट और राइटिंग फाइल्स पे आ गया, 1, 2, 3 इस तरीके से ये 100% हो जाएगी ना, तो फाइल्स तो ये कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए परसेंटेज बढ़ते हुए 92% हो गया। मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये पेन ड्राइव ओपन होगी, ठीक है। विंडो डालने का तरीका भी प्रोसेस में डालूंगा आपको, वीडियो में डालूंगा,
इससे आप विंडोज 7 बना सकते हैं बूटेबल, और किसी भी कंप्यूटर में आप फर्स्ट बूट पेन ड्राइव को सिलेक्ट करके, ठीक है, या हार्ड डिस्क फर्स्ट बूट आ रहा है तो हार्ड डिस्क में प्रायोरिटी पेन ड्राइव को दे करके आप विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, ब्रांडेड कंप्यूटर में, असेंबल में, किसी भी कंप्यूटर में, या मदरबोर्ड चेक कर रहे हैं विंडो डालने के लिए, तो ये पेन ड्राइव पोर्टेबल आपके पास रहेगी, कहीं भी किसी भी कंप्यूटर में विंडो डालने के लिए यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अब आपको पता ही होगा सीडी और डीवीडी राइटर का तरीका तो अब रहा नहीं, पेन ड्राइव का तरीका हो गया, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर का नाम ढंग से याद कर लीजिए, देखिए विन बुटिक ये सॉफ्टवेयर का नाम है, ठीक है, 95% हो गया। ISO इमेज चाहिए होती है इसको, बहुत ईजी टू यूज़ सॉफ्टवेयर है, नेट से आपको अवेलेबल हो जाएगा। मेरे पास 2.2 वर्जन है, इसके और वर्जन भी आ गए होंगे, इसको लेकर के पेन ड्राइव बूटेबल बना सकते हैं। ये 99% हो गई है, वी डू थैंक्स लिखा है ना, तो ये हो गया, इसे क्लोज कर देंगे, थैंक्स पर क्लिक करके क्लोज का बटन इसमें यहाँ आता है, दूसरी साइड उल्टी साइड यहाँ पे क्लोज कर दिया। पेन ड्राइव जो बुटेबल बनी है आपकी वो दिखते हैं, आपको दिखाता हूँ किस तरीके के अंदर से आ रही है, USB आपकी इस तरह की सेटअप बन जाएगा, इस तरह की फाइल्स आ जाएगी ना उसके अंदर, ये वाली फाइल्स, तो समझ लो बुटेबल बन गई। अब इसे यूज़ कर सकते हैं आप किसी भी कंप्यूटर में विंडो डालने के लिए, लैपटॉप में,